दोस्तों, आज मेरे मन में एक सवाल आया कि इलेक्शंस जो होते हैं, आप देखोगे पंचायत इलेक्शंस हो, असेंबली इलेक्शंस हो, लोकसभा के इलेक्शंस हो, वो सारे इलेक्शंस आपको देखो सर्टेन टाइम पीरियड में 1 महीने या 1.5 महीने 2 महीने के कैंपेन होते हैं, और उस कैंपेन के अकॉर्डिंगली सारे इलेक्शंस फिनिश हो जाते हैं। एंड टू एंड प्रोसेस समाप्त हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रचार से लेकर के उसके नॉमिनेशंस, रिजल्ट, शपथ ग्रहण, जो भी चीजें प्रक्रियाएं हैं वो सारे 2 महीने में कंप्लीट हो जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में ये 2 महीने में इलेक्शन समाप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था और मैं सोचा कि आपसे शेयर करूं, और पसंद आएगा दोस्तों तो लोगों के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि लोग अवेयर हो सके कि इतने सारे एग्जाम्स हमारे पेंडिंग्स हैं, जो कि अगर कंपेयर करें इलेक्शंस के कंपैरिजन में तो ये कुछ नहीं है। इवन हम फी देते हैं, स्टूडेंट्स हमारे फी देते हैं, वो दो दो साल तक, ढाई ढाई साल तक, पाँच पाँच साल तक वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके एग्जाम्स नहीं हुए। अगर किसी का एग्जाम्स हो भी गया है तो उसके उस एग्जाम्स के रिजल्ट्स पेंडिंग में है, प्रीलिम्स हो गए हैं, मेंस का वेट कर रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट को अपने इलेक्शन से जब 2 महीने के अंदर सारे प्रक्रियाओं को पूरी कर सकती है, तो क्या हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, जो एग्जाम जो है अलग अलग सेक्टर्स के जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, जो भी हो, उन सारे एग्जाम्स को एक कैंपेन की तरह नहीं ले सकते क्या वो? उसका एक डिफाइंड टाइमलाइन नहीं ले सकते क्या वो? उस डिफाइंड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही उसे उस कंप्लीट प्रक्रिया को समाप्त नहीं कर सकते क्या वो? दोस्तों, ये बहुत ही अहम मुद्दा है कि जब एक इलेक्शन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री, उस देश में इलेक्शंस 2 महीने में 1 महीने में फिनिश हो जाती है, विथ फुल ऑफ एफर्ट, पूरी गवर्नमेंट, पूरा इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर हावी हो जाता है, तो उसी तरीके से एग्जाम्स जो हैं, जो कंसर्न बोर्ड्स हैं, वो हावी होकर के ऐसा क्यों नहीं करती? कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं? क्या नियत में खोट है, या फिर करना ही नहीं चाहते, या फिर एक्चुअल में सिस्टम ढीला है? क्योंकि बच्चों के फ्यूचर को लेकर के, स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर के उनको कोई इसकी परवाह ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, कि अभी कोविड का सिचुएशन से, कोविड में अगर आप देखें तो इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं आ रही है। चाहे वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर ले हम, और भी जो इलेक्शंस हुए हैं, राजस्थान की बात कर लें, तो कोविड की वजह से जो इलेक्शंस के ड्यूरेशन में जो इलेक्शंस हुए हैं वो होने थे और हुए हैं, रैलियां हुई हैं, लेकिन वहां पे कोविड का कोई केसेस नहीं आते। लेकिन जहां पे इलेक्शंस नहीं होने हैं, जहां पे इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं या पूरे हो चुके हैं, वहां पे कोविड की वजह से स्टूडेंट्स के स्कूल्स को बंद किए गए हैं, उनके एग्जाम्स को रोके गए हैं। किसी किसी स्टेट्स ने तो ऐसा बोल दिया कि बच्चे बिना एग्जाम के पास हो जाएंगे। आप कौन सी मॉरल वैल्यूज को आप बढ़ावा दे रहे हैं? आप कौन सी मॉरल वैल्यूज को आगे की तरफ ले जा रहे हैं? दोस्तों, ये बात सोचने की है कि जहां पे इलेक्शन से हैं वहां पे क्या कोरोना नहीं है, वहां पे कोविड के केसेस नहीं है? एब्सोल्युटली है। गवर्नमेंट को आई थिंक दे, मतलब वो खुद के लिए वो सिर्फ सोच रही है, पब्लिक के लिए नहीं सोच रही है कि पब्लिक का कहाँ क्या नुकसान है, क्या फायदा है। तो इस पे हम लोगों को सोचने की जरूरत है दोस्तों, और ये बात सरकार तक रखने की जरूरत है कि हम अवेयर है इस चीज से, और आपको इस अवेयरनेस का, हमारे अवेयरनेस का एक मीनिंग देना होगा। आपको इस पे काम करने की जरूरत है। जहां पे इलेक्शंस नहीं है वहां पे कोविड के केसेस दिखा करके आप लॉकडाउन लगा रहे हो, दैट इज, वो अच्छी बात है कि आप कैसे लॉकडाउन लगा रहे हो, प्रिकॉशंस दे रहे हो, लेकिन जहां पे इलेक्शंस होने हैं वहां की हालत देख के क्या कह सकते हो आप? जहां पे हो रहे हैं लोग लाखों लाखों हजारों की भीड़ में लोग वहां पे जा रहे हैं, वहां पे क्या कोविड केसेस नहीं है? खेल क्रिकेट स्टार्ट हो गया स्टेडियम्स में, लोग बिना मास्क के लोग वहां जा रहे हैं, क्या वहां पे प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं? वहां पे तो सिक्योरिटी होती है ना, वहां पे तो प्रिकॉशंस लेना सबसे अनिवार्य है, वहां पे नहीं हो रहे हैं। तो क्या केसेस सिर्फ वहां हो रहे हैं जहां पे आम आदमी है, जहां पर आम आदमी अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कर रही है, सिर्फ कोविड की केसेस वही है? एग्जाम्स क्यों नहीं हो रहे टाइम पे? रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे टाइम पे? आपके इलेक्शंस टाइम पे हो रहे हैं बिना किसी डिले के। दोस्तों, ये मेरे मन में एक दो क्वेश्चंस आए थे, सवाल आए थे, मैंने सोचा आपसे मैं शेयर करूं। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों के बीच पहुंचाएं, लोगों के बीच अवेयरनेस लाएं,
क्योंकि हम सब जानते हैं लेकिन कुछ चीजें दिमाग में स्ट्राइक नहीं करती है। और ये क्वेश्चंस हमें हर एक को गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, ये हमारा अधिकार है और कर्तव्य भी है कि गवर्नमेंट को इस चीज के लिए अवेयर करे कि सिर्फ हम वोटिंग करने के लिए नहीं है, आपसे सवाल और क्वेश्चंस करने के लिए भी हम तैयार हैं। जहां पे बोलोगे ओपन हम होकर के तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनता को बेवकूफ ना बनाओ, जनता को आप बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लोगों के बीच शेयर करें इसे, और हर एक से क्वेश्चन पूछे, कमेंट करके बताएं, और कि कैसे हम इस बात को और आगे की तरफ ले जा सकते हैं, कैसे इसको बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं, लोगों के बीच इस बात को रख सकते हैं। मैं भी एक्चुअली भी दोस्तों मैं टेक्निकल वीडियोज बनाता हूँ, लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि हम भी यार नागरिक हैं यहाँ के, हम भी एक 18 वर्ष से ऊपर के हैं, हम भी वोटिंग करते हैं, हमें भी कष्ट है, हमारी भी फीलिंग्स हैं। एज ए स्टूडेंट मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और अभी तो हमारी भी जो फीलिंग्स है उस फीलिंग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, हर एक जनता की फीलिंग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सिर्फ अपनी रोटी सेकने से काम नहीं चलेगा, आइदर स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप अपने इलेक्शंस करा ले रहे हो, आप मुख्यमंत्री बन जा रहे हो, प्रधानमंत्री बन जा रहे हो, विधायक बन जा रहे हैं, सांसद बन रहा है, और बच्चा एक कलर की तैयारी करने में लगा हुआ है लेकिन उसकी कलर की नौकरी अभी तक नहीं मिल रही है। क्योंकि एग्जाम्स टाइम पे नहीं हो रहे हैं, वैकेंसियां नहीं आ रही हैं, क्यों? आपके आपके सांसद की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा में वो तो कम नहीं हुई, वो तो बढ़ रही है दिन पर दिन। आप डिवाइड कर रहे हो एरिया को, सांसद बढ़ा रहे हो, लेकिन हमारी गवर्नमेंट सेक्टर्स में नौकरियां कम कर रहे हो। वही दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों के बीच पहुंचाए, अवेयर करें उन्हें। जय हिंद, जय भारत।